सो फाइनली आई एम बैक इन माई चैनल। और जो बिग बॉस को लेकर के सोचा था कि बिग बॉस का हर एक अपडेट लेकर के आऊँगा, लेकिन कान में कुछ चीज़ इतनी ज़्यादा चुभ रही थी ना बॉस, कि मैंने बोला था सन्यासी ले लो जब तक ये मैडम निकलती नहीं, पर ऐसा सोचा नहीं था कि वो निकलेगी। मैंने सोचा था इस साल का बिग बॉस ही छोड़ देते, कोई अपडेट नहीं देते लास्ट ईयर के जैसे। लेकिन फाइनली कान को थोड़ा आराम मिला, दिल को थोड़ा सुकून मिला, और हाँ भगवान है इस दुनिया में, इस चीज का विश्वास हुआ। तो हम आज बात करने वाले हैं अर्चना का इवेक्शन को लेकर के, और इसके ऊपर में जो है मतलब जो भी चीजें चल रही है उस चीज को लेकर के। सो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बात करते हैं कि भाई जो अपने शिव ठाकरे हैं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शिव ठाकरे, क्योंकि भाई शिव जो है वो बहुत ही ज्यादा माइंड गेम खेलता है, और खास करके उसके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रह चुकी है कि वो ऑलरेडी बिग बॉस खेल करके आए हैं। और जब एक विनर कोई किसी शो में आता है ना, और उसके बाद से फिर से वो पार्टिसिपेट करता है, तो समझो कि भाई जो भी लोग वहाँ पे है उनके साथ में नाइंसाफ़ी है। जैसे कि इंडियन आइडल में होता है कि आप ऑलरेडी एक चैम को उठा करके लाते हो और बोलते हो कि ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये भी उसी तरह से आएगा सामने, किस एंगल से, कभी भी नहीं। तो शिव के पास में जो है ये एडवांटेज था। और जहाँ तक की बात अर्चना की है, इस शो में अर्चना को जानबूझ करके हवा दे दे करके उसको उस लेवल पे लाया गया कि बंदी जो है और मचाए। देखा जाए तो ये स्वामी ओम थी, डॉली बिंद्रा थी, इसके अलावा जो है लास्ट सीजन में नहीं, हर सीजन में, लगभग हर सीजन में आके टपक जाती है वो है राखी सावंत। तो भाई ये राखी सावंत की लेवल की थी, मुझे नहीं पता यार ये हॉट बिकिनी गर्ल कैसे बन गई। और सही भी है ना, वैसे भी हम लोग जब बिकिनी गर्ल को देखते हैं तो कौन से उसकी आवाज़ पे जाते हैं, लोग तो बस पिक्चर्स ही देखते हैं बस, और क्या चाहिए। दूसरी चीज़, ये बंदी जो है अपने पार्टी को लेकर के इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सबसे पहली चीज़ ये जब घर से निकलने वाली थी खुद ही बोल रही थी हमें निकाल दो भैया, ये जब भैया शब्द मुंह से निकलते ना किसी लड़की का स्टैंडर्ड पता चल जाता है। जिस तरह से तुम अपने आप को हाई फाई बता रहे होते हो, ओ माय गॉड आई एम नॉट लाइक दैट, तो भाई उस वक्त में पता चलता है। जैसे कि निमृत की अगर बात की जाए तो सच में उसकी एक अलग डिग्निटी है, वो अपनी एक लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। टीना भी कुछ हद तक है, पर उसके अंदर में वो पर्सनैलिटी आ जाती है। पर यहाँ पे अगर बात की जाए अर्चना की, गला फाड़ो और कुछ ना मिले तो बस चिल्लाते रहो, और उसके बाद से लोग आते गए अर्चना तुम क्या खेल रही हो। तो आते सीधा अभी मुद्दे पे, तो उसने जो है फुल्ली प्लान करके जो इसको घर से बाहर निकाल दिया, नहीं वो बैठ करके जो बात कर रहा था अपने ग्रुप के साथ में, साजिद स्टैन और जो भी लोग थे वहां पे, जब वो बात कर रहा था ना, उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जब भी उसका मुंह बंद करवाना हो उसका मुझे हुक पता है। और उसके पीछे में भी दो अलग तरह से था ट्रिगर करना, मतलब एक कि उसका जब भी मुंह बंद करवाना हो, दूसरा जब भी हमें उससे कंटेंट निकलवाना हो, जब भी हमें उसको अपने साथ में इन्वॉल्व कर लेना हो तो भाई कुछ बोल दो और चुप हो जाओ और निकल लो, या फिर उधर ही बैठे रहो और देखते रहो मजे, ये वाली चीज़ थी। मतलब वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली चालू रहती है, वो वाला सीन था। अब यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये फुल्ली प्लान्ड था, फुल्ली प्लान्ड की तो बात ही नहीं है। पहली बात तो अर्चना मैम को खुद नहीं पता होता है कि वो कब कहाँ पे क्या बोल रही है, कितनी बार बस झगड़े में ऐसे ही कूद जाती है। उनको जैसे ही पता चलता है कि इस हफ्ते जो है मेरे तरफ से जो है सही डोज नहीं मिला होगा ऑडियंस को, तो थोड़ा सा ओवर कर जाते हैं या फिर जा करके घुसते हैं किसी में। अब जब कुछ पता नहीं था, झगड़ा किसी और का चल रहा था, कर गई कोई और इस चीज़ को बिग बॉस जो है बहुत अच्छे से खेलते हैं। बिग बॉस ऐसे ही कंटेस्टेंट चाहते हैं जो बेमतलब का अपना बवाल मचाता रहे, इससे कुछ तो कंटेंट निकलता है, उससे उस कंटेस्टेंट का तो फायदा नहीं होता, लेकिन वो जिस तरह से हरकत करते हैं बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं, फिर उनके अंदर में आपस में झगड़ा होता है, आपस में सारी चीज़ें होती है, एक अच्छा कॉन्टेंट निकल के आ जाता है, तो इसको एज अ पिन यूज़ करते हैं, और वही चीज़ इसका चल रहा था। बट बिग बॉस अपने रूल से हटे तो हटे कैसे। वैसे मुझे ऐसा लगा था कि एक पल के लिए बिग बॉस जो है घर से निकलते टाइम तक मैं सोच रहा था कि बिग बॉस बोलेंगे अर्चना आप अभी के अभी वापस आइए, कन्फेशन रूम में बस यही कहने वाले होते कि बस इसी चीज का एहसास दिलाना था। और महाकसम यार ये बंदी अपना पार्टी लेकर के चल रही है, इलेक्शन में खड़ा होना चाहती है, एक घर के अंदर में एक कंटेस्टेंट से ऐसे गिड़गिड़ाया, प्लीज क्यों क्यों भाई, आप इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष हो गए या कुछ तो हो गए, तो भाई अपनी डिग्निटी को रखो ना। पहले पूरे घर में बोल दिया मैं किसी से नहीं डरती, अबे नहीं डरती तो फिर क्या कर रही थी, समझ से बाहर की आइटम थी ये। और जो शिव ने बोला था ना दो दिन पहले कि तुम खाली वोट मांगने के लिए जाओ, लोग बस ऐसे दरवाजा बंद करेंगे, ऐसे बंद करेंगे, सीरियसली बता रहा हूँ वो सही कह रहा था बॉस। तो किस तरह की डिग्निटी थी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ मेरे माँ का सपना मत तोड़ो, अबे तुम्हारा बिग बॉस सपना है,
मतलब सबसे पहली चीज पता है क्या होता है, हर कंटेस्टेंट का फिक्स रहता है कि हर हफ्ते आपको इतना पेमेंट दिया जाएगा। अब जो है उसके साथ में एक तरह का तो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम तो इतने दिन तक रखेंगे जब तक आप कुछ रूल ना तोड़ो या फिर आपको सच्ची में वोट आउट ना कर दिया जाए तब तक, वरना आप चलते रहोगे। अब ये सोच करके आई होगी मेरा इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, इतने लाख आने वाला है, तो इतने लोगों को इतना इतना देना है, चलो सब कुछ हो जाएगा, अपना पूरा मामला सेट हो जाएगा, ये सोच करके आई थी। अभी उसका पांव पड़ने का रीज़न ये था कि ये तो साला सच्ची में निकल रही हूँ, अब क्या होगा, अब मेरे पैसे का क्या, मैं पैसा कहाँ से सबको चुकाऊंगी, बस हाथ पाँव जोड़ लो, हाथ पकड़ लो। अब एक घंटे की औरत जब तुझे लास्ट टाइम बात करने के लिए दिया जा रहा है, तो उस वक्त में जस्टिफाई कर रही है कि तूने क्यों किया, और नाखून का जो है ना फुटेज को दोबारा से देखोगे, वुड पे जाओ वापस से जो है उस फुटेज को देखो, जिस तरह से वो गला पकड़े, सिर्फ ऐसे नहीं पकड़ी थी, वो ऐसे पकड़ी हुई थी, मतलब पूरे नाखून लग रहे थे। शिव ऐसे खड़ा था ना, सब लोगों का कहना था ही वाज शॉक्ड नहीं, या फिर जो लोग कह रहे कि वो प्लान था वो भी नहीं था। उसने ये सोचा कि अब तो तेरा मुद्दा बनाएंगे और तुझे जब घर से निकालेंगे तू गिड़गिड़ाएगी, और उसके बाद से शिव के लिए भी जो है पल्ला उल्टा पड़ गया। मतलब उसने ये नहीं सोचा था कि पूरे तरह से निकाल दिया जाएगा। बिग बॉस का जो सवाल था ना शिव से कि अब तक जब से आप मिले हो तब से लेकर अब तक आप दोनों के बीच में जो बात हुई है उन सभी बातों को नजरों में रखते हुए अभी आप क्या कहना चाहते हो कि क्या इन्हें दंड स्वरूप घर से निकाल दिया जाए, उस वक्त में शिव सोचने लग गया था और मैं सोचा था कि ये बोलेगा नहीं मैं इसको घर से नहीं निकलवाना चाहता हूँ। लेकिन शिव जो है कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं यार अभी अपने इस पे स्टिक रहते वरना फिर पब्लिक मेरे को बहुत अच्छे से लेगी, तो भाई ना तो ना। उसको लगा ये मेरा ना है, बिग बॉस ने बोला अपना फैसला बाकी है, बिग बॉस ही बोल दिया निकल लो, उसके बाद से भैया हमें थोड़ा तो माफ कर दो, अरे भैया ऐसा कैसे कर सकते हो। कसम ये पहला कंटेस्टेंट मैंने देखा है जिसको बोला गया मुंह पे बोला गया घर से निकलो, वो एक घंटे तक घूम रही है और कुछ मतलब अपना ही चालू रख रही है, प्लीज माफी दिलवा दो भैया, सबको मिली है माफी, मुझे दिलवा दो। किस हिसाब से, जितना रॉब तुमने झाड़ा ना उसको मेंटेन करते हो, सीधा बोलते भाड़ में गया ऐसा शो और मैं निकल जाती हूँ, कम से कम बाहर जाकर के वोट तो मिलता। और कुछ झंडू लोग हैं यूट्यूबर जिनका कहना है कि बिग बॉस अब बंद हो जाएगा, ये पार्टी जो है उस पर केस करने वाली है, शिव को बाहर में नहीं छोड़ने वाले। हाँ इतना हो सकता है, शिव बाहर में जाएगा तो थोड़ी धमकी वमकी मिलेगी, लेकिन शिव भी अपना सरनेम जो लेके चल रहा है ठाकरे, ऐसे नहीं बॉस, उसका भी दम कम है, खुद महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र के अंदर में अगर मराठी के खिलाफ कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो भाई पूरा बॉलीवुड की भी मां बहन कर देते हैं और सीधा आ जाते हैं, सॉरी भैया सॉरी। तारक मेहता के साथ में हुआ है, बिग बॉस के साथ में कितनी बार हुआ है, सलमान खान को भी कितनी बार बोलना पड़ा है, बहुत ही डिग्निटी वाले स्टाइल में भाई साहब ने सॉरी बोला है, और उसकी भरपाई करने के लिए कितनी बार मराठी इंडस्ट्री में जाके फ्री में मूवी भी किया है, हाँ ताकि बात बनी रहे, आई एम नॉट लाइक दैट आई एम विथ यू, ऐसा वाला सीन रहे। तो ओवरऑल यही चीज है, अब तुम जो बोल रहे हो अर्चना इज क्वीन, उसको वापस लेकर बैक क्वीन, मैकी यहाँ क्वीन काय का। वैसे इन सारे मुद्दों के बीच में शेखर सुमन ने कुछ हगा है, उसके बारे में भी बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो भाई चैनल पे बने रहो। और अब बिग बॉस का आएगा सारा अपडेट, क्योंकि अब जो है मुझे म्यूट नहीं मारना पड़ेगा और कान बंद रखने के लिए या फिर चेहरे देख के ही मूड खराब होने वाला सीन नहीं होगा, अर्चना इज आउट आई एम बैक, तो भाई अपडेट अब मिलता रहेगा, सो बने रहो।